नाम से पहुंचे गणमान्य जनप्रतिनिधि जागरूक और उत्साहवर्धक ग्रामीण संस्था प्रधान समस्त स्टाफ और प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यालय प्रशासन ने बोलने का मौका दिया इसलिए स्पेशल उनका धन्यवाद। आज के इस अवसर पे सेम यही प्रोग्राम हमारे गांव के स्कूल में फकीरवाली में भी आयोजित है, लेकिन मैं यहाँ आया हूँ वहाँ नहीं जा पाया। कारण कि जब भी मैं गांव आता हूँ तो मैं वहाँ पे जाता हूँ, लेकिन पहली बार इस गांव में यहाँ आने का मौका मिला है। तो जिस प्रकार से बच्चों का यहाँ पे सहयोग है एक दूसरे के लिए, जैसे बच्चे डांस कर रहे हैं, कोई म्यूज़िक के लिए तैयार कर रहे हैं, लाइट की व्यवस्था कर रहे हैं, इस चीज़ को देख के बहुत अच्छा लगता है कि छोटी सी उम्र में निस्वार्थ भाव से एक दूसरे के लिए सब इतना कर रहे हैं। और दो तीन चीज़ें हैं जो हम अपने गाँव में कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सुझाव हमारा जो विद्यालय के स्टाफ है वो भी इसको अमल में लाएंगे, हम आगे भी इस मुहिम से जुड़े रहेंगे। हमने हमारे गांव में ऐसे किया हुआ कि जो बच्चे शिक्षा में अच्छे हैं इसके साथ साथ खेल कूद में म्यूजिक में रेगुलर स्कूल आ रहे हैं, यूनिफॉर्म पहन के आ रहे हैं सही टाइम पे, और अपने अभिभावकों भी लेके आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी पर्पज से हो, चाहे सुधार के माध्यम से हो या किसी भी कारण हो, इन सभी चीज़ों को वो एक स्कोर देते हैं। और उसमें जो पहले दो या तीन बच्चे हैं उनको हम इक्वल कैटेगरी का इनाम देते हैं। तो जो भेदभाव वाली नीति है उसको किसी न किसी प्रकार से ख़त्म किया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट साल जब भी परिणाम आएंगे तो इसकी भी एक लिस्ट बने और उस वक्त भी मैं कोशिश करूँगा कि हम यहाँ पर हाजिर हों। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी दहेज प्रथा पर बहुत अच्छी प्रस्तुति यहाँ पर दी गई, तो इस चीज़ से मैंने भी इस चीज़ के अंदर सहयोग किया था कि मैं और मेरे परिवार ने इसी गांव से बिल्कुल भी दहेज नहीं लिया, और इस गांव इस चीज़ के साक्षी पूरा गांव है यहां पे। और ये चीज़ हमें प्रैक्टिस में लानी होगी। गांधी जी ने बोला था कि जो भी बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हो वो पहले शुरुआत अगर खुद से करोगे तो ही वो सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज वो सिर्फ दिखावटी बातें हैं, उनसे कुछ नहीं होने जाने वाला। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेरी जो छुट्टियां थी वो कल से स्टार्ट थी, लेकिन हमारे इंचार्ज साहब जिस भी माध्यम से इस बात को सुन रहे हैं उनका भी धन्यवाद कि उन्होंने मुझे आज आने का मौका दिया जिससे मैं इस प्रोग्राम में शामिल हो सका। और नेक्स्ट जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम सरकारी स्कूल से जो लोग पढ़े हैं वही यहाँ पर आते हैं, ये किसी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं है, लेकिन यह पूर्ण रूप से सत्य है कि लगभग 90% जो लोग हैं जिन्होंने सरकारी सेवाओं का फ़ायदा लिया, भले ही वो चिकित्सालय में हो या स्कूल में हो, वही वापस इनसे जुड़ते हैं। अगर 1 करोड़ रुपए लगा के कोई डॉक्टर बनेगा तो आप उससे उम्मीद मत रखिए कि वो गांव में या ढाणी में जाके वहां की सेवा करेगा। तो अगर आप निस्वार्थ भाव से यहां जुड़ेंगे, जो भी अभिभावक है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो जितना भी पैसा वहाँ पर दे रहे हैं उसका 2-5% पैसा भी सरकारी स्कूल में हॉस्पिटल में अगर निवेश करते हैं, वहाँ पर साल के 30,000 रुपये 50,000 रुपये आप देते हो तो 2,000-4,000 रुपये का सामान अगर यहाँ पर अवेलेबल करवा दोगे तो आने वाले 5 साल में गांव के किसी भी बच्चे को वहाँ इतनी दूर जाने की नौबत नहीं आएगी। और उस वजह से जो बालिकाओं की शिक्षा है वो बहुत प्रभावित होती है। हम अपने जो लड़के हैं उनको तो वहाँ पे पढ़ा लेते हैं, लेकिन जो लड़कियाँ हैं किसी भी कारणवश वो वंचित रहती है। और साथ साथ जितने भी ग्रामीण आए हैं, भले ही उनके बच्चे वर्तमान में यहाँ न पढ़ रहे हों, लेकिन ये इस बात का गवाह है कि जिन भी सज्जन की उम्र 50 साल से ऊपर है, आज से 40 साल पहले जब भी उन्होंने शिक्षा ली थी, आज अगर वो अखबार पढ़ रहे हैं, साइन कर रहे हैं, तो वो सरकारी स्कूल की ही देन है क्योंकि उस टाइम प्राइवेट स्कूल नहीं थे। तो ये सच है, इसलिए हमें इस चीज़ से जुड़ा रहना पड़ेगा। घर में जब नई बहू आती है तो पुरानी बहू की इज्जत कम नहीं होनी चाहिए, और जहाँ पे ये होता है वहाँ पे बंटवारा भी होता है, वहाँ विनाश भी होता है। तो यही जो कहानी है वो प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल की है। नो डाउट जो कमियाँ थी उनको पूरा किया है प्राइवेट स्कूल ने, हम देख रहे हैं कि किन कमियाँ है यहाँ पर और कौन सी अच्छाइयाँ वहाँ पर है, लेकिन जब हम देख रहे हैं तो उन्हें पूरा करना भी हमारा ही जिम्मेदारी है। तो हम कोशिश करें जहाँ जो अच्छा हो रहा है उस चीज़ को हम यहाँ भी अच्छा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ जुड़ें। अभी सामाजिक कुरीतियाँ जो थी उनके ऊपर अलग अलग प्रोग्राम किए गए, इन चीज़ों का जो निवारण है वो सिर्फ शिक्षा के माध्यम से ही है। नए विचार जब आएंगे उसको अमल में लाया जाएगा, वो अच्छी शिक्षा होगी, उच्च शिक्षा होगी, कम खर्चे में शिक्षा होगी, तो हर अभिभावक अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ाएंगे। तो जितना ज़्यादा है शिक्षा से हम जुड़ें, भले ही हम डायरेक्ट किसी भी काम में हो, हम अगर दूर से हैं नज़दीक से हैं, तो अगर हम अपना समय और पैसा निवेश कर रहे हैं, ये खर्चा नहीं है। खर्चा वो होता है जिसका भविष्य में कोई फ़ायदा ना हो, लेकिन निवेश वो होता है जिससे आज से 5 साल बाद 10 साल बाद में उसके परिणाम आपको दिखेंगे।
जिस प्रकार की सोच यहाँ के विद्यालय स्टाफ की है उसको सलाम कि वो आज भी जो संविधान की बात है जिसके अंदर सभी को इक्वल रखने की बात है, भले ही वो लड़के लड़कियों की एजुकेशन हो, नए विचार हो, पुरानी कुरीतियां अंधविश्वास को खत्म करने की बात हो। अच्छा लगा, उम्मीद है हम आगे भी मिलते रहेंगे। एक बार फिर से सभी का धन्यवाद।